नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है मुंबई से, जहां पर एक अवैध मजार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो को राज ठाकरे को आप सभी जानते हैं, उन्होंने शेयर करते हुए एक बड़ी चेतावनी दी थी और इस चेतावनी का असर भी दिखा है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें ये मजार दिखाई पड़ रही है। ये मजार अवैध मजार बताई गई, जिसके बाद में इस पर बीएमसी ने, महाराष्ट्र सरकार ने आप कह सकते हैं, तगड़ी कार्रवाई कर दी। ये कार्रवाई पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच हुई, जहां पर बुलडोजर चलाकर दरगाह को हटा दिया गया। बड़ी बात इसमें यह भी रही कि दरगाह को हटाने के बाद बीएमसी मलबे को भी ट्रकों में भरकर अपने साथ ले गई, तो यह बड़ी बात है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि राज ठाकरे ने कहा था कि माहिम के पास समुद्र में अतिक्रमण करके एक मजार बनाई गई है, अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो उसके पास बड़ा गणपति मंदिर का निर्माण कराएंगे वो। हालांकि इसके बाद सरकार एक्शन में आई, मंत्री का बयान भी आया है। बयान में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने बताया है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी कि CRZ को ध्यान में रखते हुए दरगाह को हटाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट के तहत समुद्र के अंदर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसके अलावा मंत्री दीपक केसरकर ने यह भी कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के विजन में विश्वास करते हैं, पहले बाला साहेब ऐसे मुद्दों को उठाया करते थे, अब राज ठाकरे उठाते हैं। राज ठाकरे की वजह से हमें पता चला कि CRZ एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हमने ये एक्शन लिया है। तो बड़ी बात है कि यहां पर राज ठाकरे के उस चेतावनी का आप कह लीजिए, या फिर राज ठाकरे के उस बात का महिमा मंडन भी किया गया है, जो एक तरह से इशारा करता है कि बाला साहेब ठाकरे के वारिस आप राज ठाकरे को मानिए, यानी कि उद्धव ठाकरे के जो तेवर हुआ करते थे या जो होने चाहिए थे बाला साहेब जैसे, वो तेवर उद्धव ठाकरे में नहीं बल्कि राज ठाकरे में दिखाई पड़ते हैं। और उन्हें क्रेडिट भी दिया गया है कि उनकी वजह से ही CRZ एक्ट का उल्लंघन जो हो रहा था इस दरगाह के मामले में, ये हमें पता चल पाया और इसीलिए हमने ये एक्शन लिया है। हालांकि इस बीच आपको ये भी याद दिला दें कि राज ठाकरे ने ये बात कब कही थी। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित किया था और इसी दौरान मुंबई में माहिम के पास समुद्र में जो दरगाह था उसका वीडियो दिखाया और उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले तक यहाँ कुछ नहीं था, अब अनधिकृत तरीके से यहाँ मजार बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए ये भी कहा था कि माहिम पुलिस स्टेशन करीब है, महानगर पालिका के कर्मचारी घूमते रहते हैं, सब सोए हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं, मैं इसे हटाने के लिए 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो इसके पास बड़ा गणपति का मंदिर बनाएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि एक बार मेरे हाथ में राज्य आया तो सब कुछ सीधा कर दूंगा। हालांकि इस बीच एक बड़ी बात यह भी है कि राज ठाकरे खुद शिवसेना के प्रमुख बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, इसे लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना से क्यों बाहर निकला इस पर नहीं बोलना है। कुछ लोग ये कहानी बना रहे हैं कि मैं शिवसेना प्रमुख बनना चाहता था, ये बिल्कुल झूठ है। मुझे मालूम था कि धनुष बाण बाला साहेब ठाकरे को छोड़कर कोई हैंडल नहीं कर पाएगा, ये बड़ा बयान दिया था उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की राजनीति काफी बदल गई है, शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की लड़ाई में तूतू मैं देखकर अफसोस हुआ, हमें जो खत्म हो गई पार्टी कहा करते थे उनकी आज क्या हालत है। देखिए ये भीड़ देखकर कोई कह सकता है मन से खत्म हो गई पार्टी है। हालांकि राज ठाकरे के तेवर यही नहीं रुके, उन्होंने मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि आप लोगों को बताओ कि मस्जिद से लाउड स्पीकर बंद करो, नहीं तो हम बंद करवा देंगे, आप ध्यान हमारी तरफ से हटा लो। तो ये बड़ा बयान राज ठाकरे ने दिया है अपने बयान में, उन्होंने सारी बातें कही, लाउड स्पीकर का मुद्दा तो कहा ही कहा। उद्धव ठाकरे को भी इशारों में बड़ी बात कह गए कि बाला साहेब ठाकरे का जो तीर कमान था, जो उनका चुनाव चिन्ह था, वो कोई और हैंडल नहीं कर सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस दरगाह का वीडियो उन्होंने शेयर किया था, इस दरगाह पर कार्रवाई करते हुए बीएमसी ने इस दरगाह को, अवैध दरगाह को यहां से हटा दिया है। जिस कानून का उल्लंघन हो रहा था, जिस एक्ट का उल्लंघन हो रहा था, उसका भी हवाला दिया गया है। दरगाह पर हुई, अवैध दरगाह पर हुई इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय, नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।